कचहरी के चक्करों से वाकई जातक बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुकदमों में अगर जीत चाहिए, विजय चाहिए, तो क्या कुछ उपाय करने हैं? जब भी शनि दोष होता है तो पुलिस, कोर्ट, कचहरी और राजकीय कार्य ऐसे उलझ जाते हैं कि व्यक्ति उसमें बहुत उलझ कर रह जाता है और जीवन की सुख शांति नष्ट होने लगती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको चाहिए कि शास्त्रोक्त रीति से आप किस प्रकार साधना करें कि सर्वप्रथम आप लकड़ी के बाजोट पर काले वस्त्र पर ही शनि महाराज के विग्रह को स्थापित करेंगे और विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन सम्पन्न करके एक तांबे की थाली में शमी के कुछ कांटे ला करके आप वहाँ पर रख देंगे। इन कांटों का विधिवत आपको पूजन करना है और उन्हीं कांटों में शनि महाराज का स्थापन करना है। तो उसके लिए मंत्र साधना कीजिए। अपने आसन पर स्थित होकर ओम भ्रौम सः क्रोध ग्रहाय स्वाहा, ओम भ्रौम सः क्रोध ग्रहाय स्वाहा, इस प्रकार दो मंत्र हैं, क्रोध ग्रहाय स्वाहा, क्रोध ग्रहाय स्वाहा। आप एक मंत्र का चयन करके रीठे के दानों की माला से मंत्र जाप कीजिए, अश्व रुद्राक्ष की माला का चयन कीजिए। तो नीले रंग के कंबल का आसन आपको रखना है, उस पर बैठकर 19 माला का मंत्र जाप, लेकिन आपका जो मुख है वो आप दक्षिण दिशा की ओर रखेंगे जब ये आप साधना संपन्न करेंगे। तो शनि को पुष्पों का हार बना करके अर्पित कीजिए और तीन मीठे पान श्रद्धा से के सहित शनि महाराज को अर्पित करना चाहिए और एक कटोरी में तेल भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। और फिर ये जो सारे के सारे कांटे हैं, जब साधना संपन्न हो जाए तो इन्हें कहीं पवित्र स्थान पर भूमि में जाकर गाड़ दीजिए, शनि महाराज को फलों का प्रसाद अर्पित कीजिए और गरीबों को वस्त्र इत्यादि दान कीजिए, तो अवश्य जीत आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो शमी का जादुई वृक्ष किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है तमाम शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए, ये बताया हमने आपको। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।